हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जो कि मैं बनाती हूँ बहुत ही इजी तरीके से और काफ़ी यम्मी और टेस्टी लगता है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये जो मेरी रेसिपी है इससे बहुत ही जल्दी बन जाता है, और इसमें ना तो आपको मावे की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। और तो गाइस, मैंने यहाँ पे गाजर को पेल करना शुरू कर दिया है। मैंने यहाँ पे 3.5 किलो गाजर ली है और मैं इन्हें पील करना शुरू करूंगी। तो गाइस, मैंने सारी गाजर पील कर ली हैं सारी। देखिए ये 3 किलो गाजर हैं और इन्हें मैंने छील लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इन्हें धो लूँगी और पीछे के ये डंठल मैं अलग कर लूँगी, इन्हें थोड़ा थोड़ा सा काट लूँगी। तो गाइस, मैंने गाजरों को धो लिया है और इनके पीछे के डंठल निकाल लिया है, इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लिया है मैंने गाजरों को। तो अब मैं क्या करूंगी कि कुकर में थोड़ा सा पानी लूंगी और इन्हें भी स्लाइस करके इन्हें काट के इसमें डाल दूंगी छोटा छोटा करके। गाइस, मैंने इसमें ये देखिए मोटा मोटा काट के और पानी में बस डिप होनी चाहिए, हल्की फुल्की छुआनी चाहिए, इतना पानी रखिए। और मैंने डिप कर चुप हो जा बेटा। गाइस, मैंने इन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैं गाजर बॉयल होने के लिए रख दी हैं और मैं इनमें लगाऊंगी 2 या 3 सीटी और फिर मेरी गाजर थोड़ी घुट जाएंगी या नरम हो जाएंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। तो गाजर मैंने रख दी है गैस ऑफ और डाल लिया है ऊपर। हो गई है बॉयल, तो ये बॉयल हो चुकी है अच्छी तरह से जैसे कि मुझे चाहिए थी। मैं दिखाती हूँ आपको, हो चुकी है बॉयल अच्छी तरह से। और मैं करती हूँ इन्हें मैश। तो करके मैंने कुकर से भगोने में पलट लिया है और फिर मैं हल्का हल्का सा, क्योंकि इतनी सॉफ्ट है ये ऐसे ही मैश हो जाएगी। तो मुझे इन्हें प्रॉपर तरीके से मैश नहीं करना है, मुझे इन्हें प्रॉपर तरीके से मैश नहीं करना है, मुझे बस रफली मैश करना है इन्हें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत दूध
इसके साथ दी जाएंगी। सोया की जगह मैं डालूंगी मिल्क पाउडर अपने इस दूध में, जो कि मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी में लिया है, जिससे कि एक मावे वाला टेक्सचर, खोया जैसा टेक्सचर आ सके हमारे गाजर के हलवे में। ये 10 रुपीज़ का एक पैकेट है, मैंने 7 पैकेट मंगाए, बट मैं क्वांटिटी के अनुसार कम या ज़्यादा डालूंगी पैकेट, 3 या 4 डालूंगी मैं, पूरे नहीं डालूंगी क्योंकि इतनी ज़रूरत नीड नहीं पड़ेगी मुझे। तो गाइस मैंने दूध में थोड़ी सी इलायची फ्लेवर के लिए डाल ली है और दूध में ही चीनी डाल ली है ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए दूध में और थोड़ा इलायची का फ्लेवर भी आ जाए हलवे में। गाइस मैंने कढ़ाई में डाल लिया है अपनी कैरेट को ताकि मैं उसका पानी थोड़ा, जो थोड़ा बहुत पानी है इसमें, वो मैं इसमें सुखा दूंगी। और है तो गाइस मेरा हलवा लगभग तैयार हो चुका है और मैं बस इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और बादाम मैंने पहले डाल दिए हैं मिल्क पाउडर जब डाला था, क्योंकि उसे थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है बादाम को, और मेरी कैरेट क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्ट है तो फिर इसलिए मैंने सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी डाला है जिससे कि जल्दी बन सके। मैंने हल्का फुल्का सा इसमें घी भी डाल दिया है जिससे कि टेस्ट और बढ़ जाए। तो गाइस मैंने किशमिश डाल दिए इसमें और तो लगभग मेरा गाजर का हलवा रेडी है। तो ये है मेरा गाजर का हलवा 10 मिनट्स में। तो गाइस आप भी बना सकते हैं और मेरे चैनल को अपनी हम जा रहे हैं अवनी के दादा जी और दादी जी को हलवा टेस्ट कराने के लिए, और अवनी सो चुकी है, ये गाड़ी में बैठते ही सो जाती है, तो देखते हैं उनको कैसा लगता है मेरे हाथ का हलवा। तो नाइट में अवनी की दादी के घर, हम आ गए हैं अवनी की दादी के घर। हाँ तो अवनी सो रही है, मैं लाई हूँ गाजर का हलवा, टेस्ट करो और बताओ नीचे भेजा। हाँ उन्होंने भी कल भेजा था तो मैंने भी भेज दिया और अपनी जग चुकी है। आएंगे मुझे खा के कैसा लगे। मेरा भी नंबर आने वाला है बनाने का। नहीं मम्मी खा के आएंगे, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा आज का। क्या
बहुत ही टेस्टी बना हुआ, बहुत ही टेस्टी। कमाल माँ बाप क्या था इसमें? नहीं ओनली मिल्क पाउडर। बहुत बढ़िया बनना। मम्मी बताएंगी खा के कैसा है। पापा की करती हूँ, टेस्टी बन रहा है। गाइस फाइनली मेरा हलवा बना है अच्छा और सबको पसंद आया है। घर में मेरा हलवा स्वादिष्ट बना है, मेरा हलवा सबको पसंद आया है। तो आई एम सो हैप्पी।